सो गाइज, आज हम बना रहे हैं पिस्ता लॉन्च, और गाइज आप इसे पिस्ता बर्फी भी बोल सकते हो। और सबसे पहले हमने यहाँ पर ये लिया है पानी। अब इस पानी में छिली हुई 4 किलो पिस्ता डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 किलो काजू। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सो गाइज, मिक्स करने के बाद इसे 2 या 3 घंटे के लिए रख देंगे। सो गाइज, इसको 2 घंटा भिजोने के बाद अब इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे। और हाँ गाइज, मैंने जो है यहाँ पर पिस्ता को छीलकर काम में लिया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है, क्योंकि मैंने पिस्ता छीलने के बारे में अलग से वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप उसे देख लेना। सो गाइस, पिस्ता को अच्छे से धोने के बाद अब हम यहाँ इस मिक्सर में मोटी जाली लगाकर इसका मोटा टुकड़ा कर लेंगे। सो गाइस, हम जो है पिस्ता का यहाँ पर 2 तरह के टुकड़े करेंगे। पहला हमने यहाँ पर किया है मोटा टुकड़ा। सो गाइस, अब हम लगाएंगे इसमें दूसरी जाली ताकि इसका बारीक टुकड़े भी हो जाए। सो गाइज, अब हम इसके यहाँ पर बारीक बारीक टुकड़े कर रहे हैं। बारीक और मोटे टुकड़े को अच्छे से मिक्स करके ही हम पिस्ता बर्फी बनाएंगे। सो गाइज, हमारे जो टुकड़े हैं वो हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर चाशनी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया 1 लीटर पानी, 2.5 किलो शक्कर। अब इनके अच्छे से चाशनी तैयार कर लेंगे। सो गाइस, देखिए हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो रही है। सो गाइस, हमने जो यहाँ पर चाशनी का मेल निकाल रहे हैं। सो गाइस, चाशनी को इस तरह हाथ में लेके चिपचिपा करके देख लेना है। हमारी चाशनी जो है 2 तार की होनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पिस्ता का बूरा किया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाइस, मिक्स करने के बाद इसकी जो है सिकाई करनी है। तो गाइस, हल्की सिकाई होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एप्पल ग्रीन कलर। सो गाइस, अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा चॉकलेट कलर, 10 ग्राम इलायची पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे इसको ऐसे हाथ में लेकर ऐसे गोली बनाकर देख लेना है। अगर इसकी गोली आसानी से बन जाती है तो ये सीख गई है। अब गाइस, इसे हम ऐसे बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। इसको ऐसे बड़े से बर्तन में निकालने के बाद इसे अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। सो गाइस, ठंडा होने के बाद अब हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जिस भी ट्रे या बर्तन में आप इसे डाल के रखते हो, उस बर्तन में इस तरह घी लगा लेना है।
घी लगाने के बाद अब हम इसे इस ट्रे में चारों तरफ अच्छे से फैलाकर रख देंगे। इसको चारों तरफ अच्छे से फैलाने के बाद अब हम इस पर हल्का सा बेलन चला लेंगे ताकि हमारे जो पिस्ता बर्फी के पीस है वो बराबर से बने। अब हम इसे 3 से 4 घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे। सो गाइस, ठंडा होने के बाद अब हम इस पर लगा रहे हैं चांदी के वर्क। सो गाइज, हमने जो है पूरे पर वर्क लगा दिए हैं। अब इसे रुई से अच्छे से चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद अब हम इसकी छोटी छोटी बर्फी साइज में कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर ली है भिगोई हुई केसर। अब इस केसर को जो है इस पिस्ता बर्फी के ऊपर चारों तरफ डाल लेंगे। सो गाइज, हमारे जो पिस्ता बर्फी की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। और आप लोग बताना कमेंट करके कि जो पिस्ता बर्फी की रेसिपी है वो आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।